अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मेहरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहरीन तनवीर। आज देखें मौसम कितना प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मौसम है कराची का। और हम कहीं जा नहीं सकते हैं क्योंकि इसके बाबा जॉब पर गए हैं, अब्दुल बारी के बाबा। ये देखें खूब बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यानी कि मज़ेदार सा मौसम है कि आप कहीं घूमने चले ही जाएँ, लेकिन हम नहीं जा पाते हैं। ये देखिए आप, और यहाँ पर अब्दुल बारी को देखें आप। अब्दुल बारी जिस दिन से मैंने अपने बच्चे को स्कूल लगाया है उस दिन से अब्दुल बारी बहुत ही बीमार है, यानी कि इनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं और इनका बुखार नहीं उतर रहा है, इनको मोशन हो रहे थे, बस तबीयत मतलब चल ही रही है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। एक तो मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है तो शायद बच्चों की तबीयत इसलिए भी ख़राब है, और दूसरा ये कि जब मैंने इन स्कूल लगाया और बस इनके बाबा ने मना कर दिया था ना कि स्कूल नहीं लगाना है, लेकिन हमने फिर भी लगा दिया, तो फिर देखें बच्चा हमारा बीमार ही है, और ये परेशान कर रहे थे इसलिए मैंने थोड़ी सी देर के लिए ऊपर लेकर आई थी कि तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, वरना सारा दिन यही होता है कि हम अपना जो सारा दिन होता है वो हमारा नीचे ही गुजरता है, यानी कि मैं ऊपर बहुत कम ही आती हूँ। जब हम रात में आते हैं तो बस जब ही आते हैं, उसके अलावा जो होता है वो अगर कुछ काम हुआ तो ठीक है, वरना तो हम सारा दिन नीचे ही रहते हैं। अब तो माशाल्लाह से बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं तो थोड़ी सी एक टाइमिंग चेंज हो गई है, यानी कि एक रूटीन लाइफ बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह ये है कि किसी दिन आपको बच्चों से भी मिलवाएंगे। और एक नया मेहमान हमारी फैमिली में एंटर हुआ है, यानी कि आए हैं माशाल्लाह से, वो कल ही आए हैं, और जो हमारे दो भांजों की शादी हुई थी उनमें से एक के माशाल्लाह बड़ी वाली दुल्हन के हमारे बेटा हुआ है। तो ये है कि मैं आपको बच्चे से भी मिलवाऊंगी इंशाल्लाह जब मैं कल, जैसे कि हम लोग कल तो हम सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए गए थे, यानी कि हम 12 बजे गए हैं रात में, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी देर के लिए चले गए थे, तो बच्चा क्योंकि सो रहा था तो कोई पिक्स वगैरह नहीं बनाई थी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जब मैं अब दोबारा जाऊँगी तो मैं आपको बेटे से ज़रूर मिलवाऊँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं, आप लोग खुद देखेंगे तो हैरत करेंगे कि माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बच्चा हमारी फैमिली में एंटर हुआ है। और अब्दुल बारी क्योंकि अब चाचू बन गए हैं, अब्दुल बारी उनके चाचू कहलाएंगे, यानी कि इनके बड़े भैया हैं जिनके वो बेटे हैं। तो माशाल्लाह से ये है कि अब जब हम जाएंगे और फिर उनकी शायद अकीका सेरेमनी भी होगी, तो फिर यह है कि आपको हम वहाँ पर भी लेकर चलेंगे, अपने पोते से मिलवाएंगे क्योंकि वो हमारे पोते हैं। जैसे ही हम गए और सब ने हमें कहना शुरू कर दिया कि लो दादी आ गई, अब मैंने कहा इतनी छोटी छोटी सी भी दादियाँ हुआ करेंगी, यानी कि हम तो खैर पहले ही मतलब क्योंकि मेरे जो भांजे हैं उनकी शादियां पहले हुई हुई थी, यानी कि जो इनके अब्दुल बारी के बाबा हैं उनकी जो भांजे हैं उनकी शादियां पहले हुई हुई थी, तो उनके बच्चे जो है वो हमें दादी ही कहा करते थे। और रिश्तों को रिश्तों से पुकारा जाए तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मुझे तो बहुत शौक है कि बच्चे चलो जो बोलना है बोलें, तो जो हमारी भांजियाँ हैं उनके बच्चे हमें नानी कहते हैं, और अब जो भांजे हैं तो उनके बच्चे हमें दादी कहा करेंगे, तो कोई बात नहीं, दादी दादी ही होती हैं, यानी कि छोटी हो या बड़ी दादी दादी ही होती हैं। तो माशाल्लाह से मैं आपको मिलवाऊंगी जब हम वहाँ पर जाएंगे। अब ये है कि अब्दुल बारी स्कूल नहीं जा रहे हैं, जब अब्दुल बारी का फर्स्ट डे था उससे ही इनकी तबीयत ख़राब है, तो इंशाल्लाह देखें इनकी तबीयत ठीक होती है तो ये फिर से स्कूल जाना शुरू करेंगे, यानी कि इनके बाबा तो खैर अभी मना ही कर रहे थे, बोल रहे थे कि 6 साल के हो जाए बच्चा जब लगाना, लेकिन मैं चाहती हूँ वो बच्चों में बैठें तो थोड़ा सा बच्चों को देखें, तो बच्चों की बातों को पिक करेंगे, यानी कि बच्चों की चीज़ों को पिक करेंगे कि बच्चे किस तरीके से खा रहे हैं, क्योंकि अभी तक अब्दुल बारी सेल्फ़ पर ही चलते हैं, यानी कि मैं उन्हें खिलाती हूँ तो ही खाते हैं, वो खुद से नहीं खाते हैं, तो ये भी एक बहुत परेशानी है हमारे लिए। तो इसलिए मेरा इरादा ये था कि बच्चे के साथ बैठेंगे तो इंशाल्लाह से ये खाना खुद से शुरू कर देंगे। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ कमेंट्स भी कर दिया करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।